स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए यदि आप जर्नल टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो बुक बताऊंगा यदि आप उससे पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से आने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो आप ज़रूर मतलब कि क्रैक कर लेंगे उन क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब क्वेश्चन से एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्रैक कर लेंगे। तो देखिए पहले बुक को दिखा देते हैं। पहले आपका ये जो है अरिहंत का है, इसमें क्या लिखा है, गणित को अब रटे नहीं समझे, नो ट्रिक, इसमें ट्रिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है लिखा है एकमात्र पुस्तक जो आपको सिखाएगी बिना किसी ट्रिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से सभी प्रश्नों का हल करना। अब आप कहोगे सर ये तो SSC रेलवे LIC मतलब ये आधार मतलब कि एग्ज़ाम्स के लिए हैं तो हम CUET की कैसे तैयारी करें। तो मैंने आप सबको पहले से ही CUET में जो मैथ का सिलेबस था वो मैंने बताया था, तो इन सारे बुकों में ऐसे ही मतलब कि वही चैप्टर यहाँ पर भी है। अब CUET के लिए अभी तक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बनी है जो मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी को दे। CUET के लिए बुक बनी है तो जो आपका सेक्शन 3 है जिसमें 4-5 चीज़ें हैं उनके लिए वो सारा चीज़ मिक्सअप बनाया है, आपको पर्टिकुलर बुक से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए ठीक ठाक है लेकिन आपको लेना है कि नहीं लेना है अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा सबको पता है यदि आप मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना ही चाहते हैं तो ये अंकगणित जो है इनका RS अग्रवाल का ये भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी, ठीक। अगला आपका अरिहंत का ही है, ये आपका लिखा है यहाँ पर फास्ट ट्रैक वास्तुनित अंकगणित मतलब कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 5000 प्लस परीक्षा आधारित वास्तुनित प्रश्न, तो ये भी ठीक ठाक बुक दिख रही है ऋचा अग्रवाल का मतलब कि यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद जो है आपका दिशा मतलब कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने शार्ट कट दिया है संख्यात्मक अभियोग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। शार्ट कट टेक्निक, हल सहित उदाहरण, हल सहित प्रश्नावली, इसमें ये सारी चीज़ दी गई है। सवाल उठता है हम कौन सा लें, तो मुझे तो ये वाला ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। आप इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक रखे हैं अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मुझको ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप ये दिशा का भी ले सकते हैं या फिर आप जो है ये अरिहंत का ही दोनों ले लीजिए या फिर एक ही लेकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।